हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम प्राची। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर होम। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये यूज़फुल वीडियो है माइक्रोवेव हैक्स। माइक्रोवेव एक ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो हर एक घर में आजकल होता ही होता है। तो माइक्रोवेव के जो अलग अलग यूजेस हैं वो हमें सबको पता होने चाहिए, ताकि हम उसको जो है और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं पहला हैक है मेरा लहसुन को छीलना। लहसुन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर एक रेसिपी में हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन लहसुन छीलना एक बहुत बड़ी टास्क होती है, राइट? आई होप आप सब लोग मेरे से एग्री करेंगे। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इकट्ठा लहसुन छीलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। बहुत ज़्यादा लहसुन अगर आप एक साथ में छीलने की कोशिश भी करेंगे तो आपकी उंगलियां दर्द करने लगती है। इसी के लिए एक सिंपल सा हैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है माइक्रोवेव के साथ में। लहसुन की कलियों को जो है आप एक दूसरे से सेपरेट कर लीजिए। माइक्रोवेव प्रूवन प्लेट में जो है आप उसे रख दीजिए। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए उसको गर्म करना है, मतलब माइक्रोवेव जो है सब 30 सेकेंड्स के लिए आपको चलाना है, राइट? यहाँ पे मैंने एक मिनट का बटन दबाया है क्योंकि मेरे पास जो है ना 30 सेकेंड्स वाला ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 30 सेकेंड्स बाद मैं उसको बंद कर दूंगी। देखा, बंद किया मैंने अभी। अभी आपको क्या करना है, 30 सेकेंड्स करने का वजह यही है कि छिलके जो है आपके लहसुन के सिर्फ वो ही आपके गर्म होने चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए उसको गर्म करेंगे, एक मिनट के लिए या उससे ज़्यादा, तो लहसुन जो है ना बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं आपके, एंड फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं, खाने में भी वो अच्छे नहीं लगते हैं। आप ये डिफरेंस एक बार नोटिस कर लीजिए, आपको खुद ब खुद ये बातें समझ में आ जाएगी। 30 सेकेंड्स गर्म करेंगे तो छिलका बहुत ईजीली आपका पिल ऑफ हो जाता है यहाँ पे, एंड बहुत ही ईजीली आप जो है लहसुन को छीलने की जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हो। तो आपको जो है बिल्कुल एक साथ में बहुत ज़्यादा लहसुन छीलने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ के रोज़ भी आप जो है सिर्फ 30 सेकेंड्स उसको गर्म करना, एंड आगे के 30 सेकेंड्स जो है आपको लहसुन को पिल ऑफ करने के लिए टाइम लगेगा। तो एक मिनट जो है आप दिन का निकाल लीजिए, एंड ताज़ा फ्रेश लहसुन आप आपके खाने में इस्तेमाल कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा हैक है, बहुत ही यूज़फुल है। आप देख सकते हो मेरे पास है मूंगफली। ये भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे खाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कच्चा मूंगफली हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली मूंगफली जो है वो रोस्ट करके ही लिया जाता है। वैसे तो मूंगफली रोस्ट करने के लिए हम लोग गैस पे कढ़ाई रख के उसमें मूंगफली ऐड करके उसको कंटिन्यूसली अगर हम लोग चलाते रहे तो मूंगफली रोस्ट हो जाती है। लेकिन उसमें क्या है ना, 5-10 मिनट का टाइम लग जाता है पहली बात तो, क्योंकि हमें जो है ना पूरा डेडिकेशन वहीं पे देना पड़ता है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लगती है वो। उससे बेटर है आप माइक्रोवेव सेफ प्लेट में ऐसे मूंगफली रख दीजिए, 2 मिनट के लिए बस उसको आप माइक्रोवेव कीजिए, अच्छे से आपकी मूंगफली जो है वो रोस्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो है 2 मिनट मूंगफली को इस तरीके से रखने के बाद में आपकी मूंगफली के छिलके जो है वो निकल रहे हैं। देखिए आप, मेरे छिलके जो है मूंगफली वाले वो बिल्कुल अच्छे से निकल रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट्स। तो मूंगफली जो है मेरी यहाँ पे रोस्ट हो चुकी है। ऐसी वाली मूंगफली जो है आप जो हम लोग खाना बनाते हैं, रेसिपीज बनाते हैं, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ मूंगफली ऐसे ही खानी है एज अ स्नैक, तो आप जो है यहाँ पे उसको और थोड़ा क्रंची बना सकते हो। उस टाइम पे जो है आपको माइक्रोवेव का टाइम जो है वो 2 से जगह 4 कर देना है, मतलब 4 मिनट के लिए आप उसको अच्छे से माइक्रोवेव कर दीजिए। बिल्कुल आपकी मूंगफली जो है रेड कलर की एंड बिल्कुल क्रंची हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं हैक नंबर 3। हैक नंबर 3 जो है हमारा वो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है इन दिनों में। आपको जैसे पता ही है अभी बारिश का मौसम है, तो हमको जो है कॉर्न अभी बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं एंड टेस्टी भी बहुत है, हेल्दी भी होते हैं कॉर्न। कॉर्न को बॉईल करना एक बहुत बड़ी टास्क होती है। कॉर्न को पहले छीलो एंड उसके बाद में उसको बॉईल करो। ये सारी झंझट से आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हो। पूरा का पूरा कॉर्न जो है विद उसका ऊपर का जो छिलका होता है उसके साथ में आप रख दीजिए उसको माइक्रोवेव में। बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए आप जो है उसको गर्म कर लीजिए, कॉर्न अपने आप बॉईल हो जाएगा।
एंड बॉईल किया हुआ कॉर्न जो है आप ऐसे ही खा सकते हो। उसके छिलके उतारना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बिल्कुल इजी हो जाता है। एंड उसके जो दाने हैं वो भी आप बहुत इजीली उसके निकाल सकते हो। कॉर्न का जो छिलका है ऊपर का वो इमिजिएटली आप निकाल लीजिए। थोड़ा सा गर्म होता है इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अंदर के जो दाने हैं कॉर्न के उनको निकालने के लिए आपको कॉर्न को थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है। बिल्कुल हमने 2 से 3 मिनट के लिए उसको माइक्रोवेव किया है तो वो काफ़ी गर्म होता है, तो इस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉर्न को हम लोग जब बॉईल करते हैं ना तो हमें बिल्कुल पूरा कॉर्न जो है छीलना पड़ता है, उसके पूरे दाने निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल वो कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है जो हमारा काम है बिल्कुल आसान कर देता है। आप देखिए मेरा कॉर्न जो है बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसके ऊपर आप सिर्फ नींबू, थोड़ा सा नमक एंड थोड़ी सी रेड चिली पाउडर छिड़क के खा भी सकते हैं। बहुत हेल्दी एंड टेस्टी भी लगता है। स्टार्ट करते हैं हैक नंबर 4। बहुत बार हमको जो है ना बादाम या आलमंड्स जो होते हैं उनका छिलका उतारना होता है। छिलका उतारने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जो है पानी में सोक करके 10 मिनट 20 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद में हमें उसको निकालना होता है। फिर भी निकलने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। आपको क्या करना है, एक माइक्रोवेव से बाउल में जो है बादाम ले लीजिए, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर दीजिए। बस 20 सेकेंड के लिए आप उसको गर्म कर लीजिए, बिल्कुल 20 सेकेंड्स के लिए आप उसको गर्म कीजिए। हाँ, मैंने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम ज़रूर लगाया था लेकिन 1 मिनट उसको नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता ही होगा ओवन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो पानी को बॉईल होने में, पानी को गर्म होने में 10 to 15 seconds बहुत इनफ है। एंड गर्म पानी में अगर आप ऐसे ही बादाम को छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए तो आपके बादाम जो है ऑटोमेटिक उनका छिलका जो है उतार देते हैं। आप यहाँ पे देखिए अभी मैं बहुत ही ईजिली इवन एक हाथ से भी उसका छिलका जो है आप इस तरीके से निकाल सकते हो, राइट। आप देखिए बिल्कुल एक हाथ से छिलका निकला है एंड पूरा का पूरा छिलका जो है एक साथ में ही निकलता है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा ठंडे पानी में जब हम लोग जो है बादाम को सोक करके रखते हैं तो इस तरीके का छिलका बिल्कुल भी नहीं निकलता है, हमें बहुत टाइम देना पड़ता है ये छिलके उतारने में भी। ऐसा छिलका उतारा हुआ बादाम जो है वो बहुत अच्छा लगता है अगर आप कोई स्वीट डिश वगैरह बना रहे हो तो ये जो बादाम का प्रोसेस है ये हमें काफ़ी बार करना पड़ता है जब हम लोग कोई स्वीट डिश बनाते हैं। तो ये हैक जो है आप बिल्कुल आजमा लीजिए, बिल्कुल 30 to 40 seconds में आपके बादाम जो है वो छिलके से अलग हो जाएंगे एंड ये हैक आपके लिए हेल्पफुल भी रह सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं हैक नंबर 5। हैक नंबर 5 जो है हमारा वो भी अभी के दिनों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि बारिश का मौसम है, अक्सर हमारे बिस्किट्स जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, राइट। आप कितना भी उनको पैक कर लो अगर बारिश अच्छे से हो रही है तो बिस्किट्स जो है सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड ऐसे सॉगी बिस्किट्स खाना बिल्कुल किसी को भी पसंद नहीं होता है। आपको क्या करना है, ऐसे सॉगी सॉफ्ट बिस्किट्स को बिल्कुल 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। 1 मिनट बाद माइक्रोवेव बंद कर लीजिए, आपके बिस्किट्स जो है पहले के जैसे एकदम क्रंची हो जाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे एक चीज़ सिर्फ मैं आपके साथ में बोलना चाहूँगी कि ये जो बिस्किट्स है ना, जब आपको खाने हैं तुरंत अगर आप खाने वाले हो तभी आप उनको माइक्रोवेव कीजिए। अभी आप माइक्रोवेव करके रखेंगे फिर से उनको कोई कंटेनर में भर के देंगे तो वो फिर से सॉगी हो जाते हैं, तो खाने से पहले ही आपको उन्हें गर्म करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं हैक नंबर 6। बहुत ही ईजी सिंपल सा ये हैक है, जैसे कि है पापड़ रोस्ट करना, राइट। पापड़ रोस्ट करना क्या है ना, सब लोग करते हैं लेकिन बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि साइड का जो पार्ट है ना वो अच्छे से रोस्ट नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये कांच का जो प्लेट होता है सीधा उसके ऊपर ही आपको पापड़ रखना है। दोनों साइड से आपको जो है 15-15 सेकेंड के लिए उसको अच्छे से गर्म कर लेना है, रोस्ट कर लेना है। आपका पापड़ जो है बिल्कुल साइड से कच्चा नहीं रहेगा, पूरी तरीके से अच्छे से रोस्ट होगा। पापड़ रोस्ट करना माइक्रोवेव में सबको ही पता है लेकिन बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि साइड से रोस्ट नहीं होता, इसलिए ये हैक जो है ये बिल्कुल कॉमन हैक है। लेकिन मैंने ये इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि आप लोगों के बहुत से सवाल होते हैं। अभी आजकल जो ट्रेंड में बहुत सारे लोगों को रहता है कि कोन शेप में, लाइक टैकू शेप में वगैरह आपको जो है पापड़ को अच्छे से उसके रोस्ट करना होता है, तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। एक कांच का ग्लास ले लीजिए,
एंड उसमें जो है आपको पापड़ इस तरीके से ऐसे शेप में रखना है एंड बस कांच को आप ग्लास को जो है आप अंदर रख दीजिए। सेम 30 सेकेंड्स के लिए आप जो है उसको अच्छे से रोस्ट होने दीजिए। बिल्कुल आपका पापड़ जो है वो रोस्ट भी हो जाएगा एंड वैसा शेप भी ले लेगा, जैसे कोन जैसा जो शेप आता है ना वो शेप भी आपका पापड़ जो है वो ले लेगा। उसके अंदर जो है आप मसाला पापड़ की जो फीलिंग होती है लेकिन जैसे कि प्याज टमाटर एंड बाकी सारी चीज़ें वो ऐड करके भी आप इसको खा सकते हो। बच्चों को भी थोड़ा अलग लगता है, डिफरेंट लगता है, खाने में भी अच्छा लग सकता है। तो दोस्तों आप ये हैक्स जो है बिल्कुल आजमाइए आपकी डेली लाइफ में, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा वाला ये वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।